हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्टडी आरपी। आपका स्वागत करता हूं मैं। ये लेक्चर सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, दैट्स इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। ओके, आपको पता होगा, आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो थर्मोडायनामिक्स आपका एक बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक बहुत बड़ा पिलर माना जाता है। ओके, तो ये जो लेक्चर सीरीज हम कंडक्ट करने वाले हैं अब इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट की, वो लेक्चर सीरीज आपको काम में आएगी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। आपका जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा थर्मोडायनामिक्स का समझने का, वो बदल जाएगा इस सीरीज को देखने के बाद। आपको ये सीरीज काम में आएगी गेट के जो आपकी एग्ज़ाम होती है गेट की फाइनल ईयर में, उस गेट की सिलेबस या उसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, क्या एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स है, क्या हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले, थर्मोडायनामिक्स क्यों हम पढ़ेंगे और क्यों मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो पढ़ाया जाता है, ये सब हम देखेंगे इस फर्स्ट लेक्चर में। स्टार्टिंग लेक्चर रहेगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा, ज़्यादा उसमें डिटेल या सिलेबस का ही हम बात करेंगे, और उसके बाद सब हम डिटेल में एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक वाइज हम मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँगा और उसको एक पूरा सीरीज वाइज देखते जाएगा। तो यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड नॉलेज एंड गुड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, देन बिफोर स्टार्टिंग में थर्मोडायनामिक्स का एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। थर्मोडायनामिक्स में जो लेक्चर सीरीज अपनी चलेगी उसमें हम एक देखेंगे बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेसिक क्या है थर्मोडायनामिक्स के। देन सेकंड वन आएगा प्रोसेस इन इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स क्या है, प्रोसेस क्या है, कौन सी प्रोसेस पे ये थर्मोडायनामिक्स चलता है, क्या प्रोसेस है, कितनी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस कहाँ लगती है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ आइडियल गैस, आइडियल गैस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, हम उसमें देखने वाले हैं। आइडियल गैस के ही ऊपर जो नंबर ऑफ थर्मोडायनामिक साइकिल्स होती है हमारी, वो साइकिल्स कैसे वर्क करती है, जैसे वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल हो, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल हो, जैसे रैंकिन साइकिल, ये सब डिटेल में आगे सब कुछ देखने वाले हैं, ये सब हम पूरा देखेंगे। देन वो साइकिल्स को चलाने के लिए हम उसको यूज़ क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके इक्वेशन, सब पूरा डिटेल देखा जाएगा। उसके बाद स्टीम एंड बॉयलर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का, वो भी हम पढ़ेंगे। स्टीम के यूजेस पढ़ेंगे, नंबर ऑफ बॉयलर पढ़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फायर इन ट्यूब, वाटर इन ट्यूब बॉयलर, इस सब उसके टाइप्स जो कुछ भी होंगे वो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है थर्मोडायनामिक्स में, दैट्स बेसिक कंसेप्ट। तो उसके आगे हम जाएंगे पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफ़र का एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर का बेसिक कंसेप्ट क्या, यूँ तो हीट ट्रांसफ़र एक अलग सब्जेक्ट है वो पूरा, लेकिन हम इस लेक्चर सीरीज में उसका एक थोड़ा बेसिक पार्ट ही कवर करेंगे। ओके, देन ये जो है पूरा रहा आउटलाइन इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का। ओके, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने के लिए हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्रेशर क्या रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, इन बातों का। सो बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपको एक जनरल नॉलेज दे देता हूँ कि प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये सब जो बेसिक इंटिटीज़ है जो हमको लगने वाली है पढ़ने के वक्त, जैसे डेंसिटी क्या होती है, अगर ये नहीं है तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन आज थोड़ा स्टार्टिंग में आपको एक वार्म अप दे देता हूँ कि क्या है ये प्रोसेस, कैसे इनका यूज़ होता है। ओके, तो फर्स्ट हम देखते कि प्रेशर टेम्परेचर, ये जो पॉइंट से हम वन बाय वन हम उनको देख लेंगे। ओके, हम वो अगले लेक्चर सीरीज में हम कंडक्ट करेंगे, इसमें सिर्फ हम बेसिक पॉइंट्स से देखते हैं जो हम थर्मोडायनामिक्स में हमको आने वाले या लगने वाले हैं। ओके, तो मैं जो बेसिक क्वांटिटीज लगने वाली है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, उनके
उन पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल होगा हम प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, क्या रहता है प्रेशर, टेम्परेचर कैसे करते हैं, डेंसिटी क्या होती है, ये पूरा एक अलग वीडियो में मैं आपको दूंगा उसका पूरा एक कंटेंट। ओके देन हम तो अब बढ़ते हैं एक सिलेबस का, या व्हाट इज़ द थर्मोडायनामिक्स, क्या होता है थर्मोडायनामिक्स ये पढ़ने के लिए। सो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमको उस सब्जेक्ट का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या है सब्जेक्ट में, एक्चुअली होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन बताता हूँ थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स क्या है? ओके, सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इंटरेक्शन। क्या बोला मैंने? इट्स ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी ओके एंड इंटरेक्शन ओके। सो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनर्जी और उसका इंटरेक्शन, मतलब समझिएगा एनर्जी चेंज होती रहती है वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म, ऐसी चेंज होती रहती है। तो उस चेंज का इंटरेक्शन जो होता है, उस इंटरेक्शन को पढ़ना ही हमको थर्मोडायनामिक्स में है। ओके नंबर ऑफ एनर्जीज रहती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी रहती है, प्रेशर एनर्जी रहती है, फ्लूइड एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है, एंड इंटरनल एनर्जी भी पढ़ेंगे हम। वो सब कुछ म्यूचुअली कन्वर्टेबल है, और वो म्यूचुअली कन्वर्टेबल जो एनर्जीज है वो कैसे होती है ये सब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिक आप यही ध्यान में रखिए कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। थर्मोडायनामिक्स है क्या? इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। क्या? इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र कैसी होती है ये उसका साइंस है। बस आप इतना ही ध्यान में रखिए, बाद में जो इम्पोर्टेंस अभी हम जाएंगे वो ये तीन डेफिनेशन से, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ये तीन वाले डेफिनेशन, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। पूरा थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए हमको ये तीन डेफिनेशन अच्छे से समझने चाहिए। मैं कहता हूँ मैं इन पे पूरा लेक्चर ही डेडिकेट करने वाला हूँ, कि ये क्योंकि बच्चा पूरा इंजीनियरिंग पढ़ जाते फिर भी उसको समझ में नहीं आता है कि क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, क्या होता है बाउंड्रीज, वो हमेशा कन्फ्यूज रहता है। सो हम वन बाय वन उसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लेता हूँ सिस्टम की। फर्स्ट, अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। ओके, तो सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ऐसी एक रीजन होता है स्पेस में जिस पे हम थर्मोडायनामिक स्टडी करने वाले हैं। ओके, अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो कुछ बॉयलर हो सकता है, कुछ मशीन हो सकता है जिस पे हम थर्मोडायनामिक स्टडी करने वाले हैं, एज़ पर आवर कन्वीनियंस, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा रीजन, ऐसा सिस्टम या ऐसी जगह जिस पे हम थर्मोडायनामिक्स का स्टडी करने वाले हैं उसको, उस जगह को बोलेंगे हम सिस्टम। आपको आया ध्यान में? क्या? ऐसा रीजन, ऐसी जगह जिस पे हम थर्मोडायनामिकली स्टडी करने वाले हैं, दैट्स अ सिस्टम। ओके, सिस्टम के चार टाइप्स होते हैं, मैं आने वाले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा कि क्या होते हैं टाइप्स, कैसे उनके टाइप्स किए जाते हैं, कैसे उनको पढ़ाया जाता है, उनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम सराउंडिंग पे। सराउंडिंग इट इज़ मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम। ओके, तो आप एक कभी ध्यान में रखिए कि सिस्टम क्या होती है? इट इज़ अ स्पेस चूजन फॉर स्टडी। ओके, और सराउंडिंग क्या होती है? जो स्पेस हमने स्टडी के लिए नहीं लिया है, जिस पे हम कोई भी एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, वो पूरा आउटसाइड है, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। ध्यान में रखिए, क्या? सिस्टम क्या होती है जिस पे हम स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनामिकली, और उसको छोड़ के जो सब स्पेस होता है, वो स्पेस इन्फिनाइट भी हो सकता है, हम कुछ बता नहीं सकते, वो पूरा गिना जाता है सराउंडिंग में। ओके, देखो हम आपको यह डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ये
स्पेसिफिकली हमने ये सिस्टम लिया है, ओके। और ये जो पूरा आउटसाइड पूरा एरिया जो है ये पूरा सराउंडिंग का है, मैं आपको ऐसे भी पूरा सराउंडिंग का आ जाएगा, ओके। ये पूरा एरिया सराउंडिंग का आ जाएगा। सो सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जिस पे हम वर्क करने वाले हैं, और सराउंडिंग क्या, जिस पे हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, वो एरिया, ओके। तो इस सिस्टम और सराउंडिंग को पहचाने कैसे कि भाई यहाँ से सिस्टम शुरू हुआ है, यहाँ से सिस्टम ख़त्म होता है, यहाँ से सराउंडिंग चालू होती है, तो उसके लिए हमने कंसेप्ट पढ़ना है बाउंड्रीज का, व्हाट इज़ अ बाउंड्री, ओके। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा हमारा बाउंड्री का, द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम कैन बी फिक्स और मूवेबल, ओके। ये डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या है द रियल और इमेजिनरी सरफेस। सरफेस मतलब जो लाइन सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती हो उसको हम कहेंगे बाउंड्री। आया ध्यान में, व्हाट, जो लाइन सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट करती है या अलग करती है उसको हम कहेंगे बाउंड्री। बाउंड्री की कुछ थिकनेस नहीं होती है, ये इमेजिनरी सरफेस है। हाँ, अगर वो रियल होता है तो कुछ थिकनेस उसकी हो सकती है, अगर वो इमेजिनरी होता है तो उसका थिकनेस जरूर रहेगा, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग का डिफरेंशिएट करने के लिए हम बाउंड्री का कंसेप्ट लाए हैं। मतलब क्या, सिस्टम और सराउंडिंग का अलग अलग देखा जा, अलग अलग एंटिटी में हम देखना चाहते हैं तो बाउंड्री उसको अलग करती है। इमेजिनरी सरफेस के वक्त उसका जो थिकनेस रहेगा वह जीरो रहेगा, अगर हम रियल बाउंड्री कंसिडर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसका भी कुछ थिकनेस रहेगा, ओके। बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है, ये हम आगे आने वाले सिस्टम का जो पार्ट्स है उसमें पढ़ेंगे, ओके। सो ये जो तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी है, दिस इज द कोर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके, सिस्टम सराउंडिंग एंड डेफिनेशन। आपको ये पूरा अच्छे से समझ में लेना है, बार बार देखना है वीडियो तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग। अदर देन सिस्टम जितना भी पूरा एरिया होता है यूनिवर्स का उसको हम कंसिडर कर सकते हैं सराउंडिंग, ओके। सिस्टम आपकी कन्वीनियंस से ही ले सकते हैं, जो कितना बड़ा ले रहे हैं, कितना छोटा ले रहे हैं, कौन से कंपोनेंट पे हमको एनालिसिस करना है उसके ऊपर सिस्टम का साइज डिपेंड होता है, ओके। सो ये रहा पूरा बेसिक कंसेप्ट अभी सिस्टम सराउंडिंग एंड थर्मोडायनामिक्स का। इसके आगे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है। बेसिकली सिस्टम के चार टाइप्स होते हैं, ओके, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, देन आइसोलेटेड सिस्टम एंड एडियाबेटिक सिस्टम। ये जनरली चार टाइप्स में सिस्टम को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो कौन से क्लोज, ओपन, आइसोलेटेड सिस्टम एंड एडियाबेटिक सिस्टम, ओके, चार टाइप में। ये पूरा बेसिक टाइप है, पूरा इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में यही चार टाइप्स पे पूरा डिस्कशन डिपेंड रहेगा। तो इनको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, उनके एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लीजिए। मैं कुछ सिस्टम इस लेक्चर में कंसिडर करूँगा, कुछ सिस्टम अगले आने वाले लेक्चर में उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो हमें कुछ बहुत अच्छे से उन सिस्टम्स को समझना है, क्या होता है सिस्टम, कैसे होती है, ओके। तो फर्स्ट वाला हम सिस्टम देखेंगे, क्लोज सिस्टम और कंट्रोल मास, ओके। हमको क्लोज नाम से ही पता चलता है कि सिस्टम क्या है, क्लोज है, मतलब पूरा एनक्लोज सिस्टम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ओके। मतलब क्या, पूरा क्लोज रहेगा, पूरा क्लोज रहेगा। हम इस डायग्राम को उसको देख सकते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। उसके पहले मैं आपको इसका एक डेफिनेशन बताता हूँ, किताबी डेफिनेशन की क्या होता है क्लोज सिस्टम, ओके, और उसको कंट्रोल मास क्यों कहते हैं, ओके। कभी कभी आपको एग्जाम में
क्लोज सिस्टम की जगह कंट्रोल मास दे देता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लोज सिस्टम को ही कंट्रोल मास बोलते हैं। ओके, सो पहला हम देखेंगे ओनली, उसका डेफिनेशन देखें कि ओनली एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री बट नो मास कैन क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। देखिए क्लोज सिस्टम में एनर्जी जो होती है वो बाउंड्री क्रॉस कर सकती है सिस्टम का। ओके, क्या जो एनर्जी होती है वो सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस कर सकती है, बट जो सिस्टम में जो मास होता है वो सिस्टम के बाहर नहीं जा सकता, या बाहर का मास सिस्टम के अंदर नहीं आ सकता। ध्यान रखिए बाहर का मास सिस्टम के अंदर नहीं आ सकता, वैसे ही सिस्टम के अंदर का मास बाहर नहीं जा सकता, बट एनर्जी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, क्या इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क वो क्रॉस कर सकती है बाउंड्री को। ओके, तो यही बेसिकली होता है क्लोज सिस्टम। तो उसको कंट्रोल मास क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर का मास बाहर नहीं जा सकता या बाहर का मास अंदर नहीं आ सकता, इसका मतलब सिस्टम का मास चेंज नहीं होता है, सिस्टम का मास कांस्टेंट रह जाता है। ओके, सिस्टम का मास कांस्टेंट रह जाता है, तो इसलिए उसको कहा जाता है कंट्रोल मास सिस्टम। मतलब इस सिस्टम के मास में कोई भी चेंजेस या बदलाव नहीं आते हैं, वो कांस्टेंट रहता है, उसी को बोलते हैं हम कंट्रोल मास सिस्टम। यहाँ हमने पिस्टन सिलेंडर का एक एग्जांपल लिया है, जिसमें ये ऊपर हमने दिखाया है पिस्टन दिखाया है, ये वाला पिस्टन है और ये पूरा सिलेंडर है। ओके, इसमें ये गैस भरा हुआ है और वो क्लोज है, इसमें जो गैस है वो इन और आउट नहीं हो सकता, दैट्स द फर्स्ट थिंग। बट एनर्जी जो है ए वाली एनर्जी वो क्रॉस कर सकती है सिस्टम को। देखो इधर एस, इधर नो, उधर यस दिया है, तो आप ध्यान से पढ़िए कि मास सिस्टम के बाहर या अंदर नहीं जाएगा, एनर्जी सिस्टम के बाहर या अंदर जा सकती है। इसके कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होते हैं एग्जांपल। ओके, इसका फर्स्ट एग्जांपल आएगा प्रेशर कुकर, सेकंड आएगा गैस कन्फाइंड इन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, दैट्स अ मेनी ऑफ द एग्जांपल। इसमें आप एक बात ध्यान में रखिए कि कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम का बाउंड्री वेरी हो सकता है, क्या कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम का बाउंड्री वेरी हो सकता है, मतलब ये जो पिस्टन है ये ऊपर या नीचे ऐसा ट्रांसफ़र हो सकता है, उसका जो मोशन है ऊपर या नीचे हो सकता है। इसका मतलब क्या कि सिस्टम का बाउंड्री आप चेंज कर सकते हैं, बट उसका मास नहीं चेंज कर सकते। खूब दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आपको ये सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री का कंसेप्ट ध्यान में आया होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है क्लोज सिस्टम का, वो भी आपको ध्यान में आया होगा। इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम, जो मैंने आगे के 3-4 सिस्टम बताए वो भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। सो बिफोर एंडिंग मैं आपको गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो हैव अ गुड डे।